मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच कमलनाथ सरकार को 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। शनिवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसके मुताबिक सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद ही विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग की जाएगी। बता दें कि आदेश में कहा गया है कि मतदान सिर्फ बटन दबाकर होगा। यह प्रतिक्रिया इसी दिन पूरी होगी और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इससे पहले शनिवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत अन्य भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर बजट सत्र से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। इस बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया। वही मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शुक्रवार को राज्यपाल से मिले थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले विधायकों को मुक्त कराए। स्पीकर ने बेंगलुरु से इस्तीफा देने वाले 22 विधायकों को नया नोटिस जारी कर दिया है। अब इन सभी विधायकों को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक पेश होने का वक्त दिया गया। नियम मुताबिक सभी विधायकों को स्पीकर के सामने उपस्थित होना जरूरी है। इस बीच सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है। वही मुख्यमंत्री कमलनाथ कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। न्यूज इंडिया 9 से ब्यूरो रिपोर्ट।